Hey, assalamu alaikum everyone, welcome to another part of the video series of the video editing software called Sony Vegas Pro 10 jo ki 11 12 13 14 aur 15 pe bhi applicable hai lekin agar aapke paas yahi hai kyunki purana version easily download aapko mil sakta hai kahin se bhi to aap wahan se isko buy kar sakte hain aur isse pehle maine I think 5 part upload kiye 6 part hai to I hope aap saath saath isko dekh rahe ho और आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो उसे ओके तो लास्ट पे लास्ट में हमने जो है कवर किया था वीडियो इफेक्ट्स और इस वाले सेक्शन में जो है हम लोग कवर करेंगे आइटम्स को ऐड करना और टेक्स्ट को ऐड करना ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ओके सो साथ में मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट का भी बताया हुआ है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं साथ साथ जिसमें एक बैकग्राउंड होगा म्यूज़िक होगा और एक लोगो टाइप एक चीज़ होगी बेसिकली एनिमेटेड लोगो होगा ठीक है आप जो भी फाइनल चीज़ बनाएंगे आप उसको जो है सबमिट करा सकते उसके बाद आप लोग जो भी सबमिट करा रहे हैं उस पर हम लोग अपने ओपिनियन ही आपको चेक करके बताएंगे कि किस तरह इसको इम्प्रूव किया जा सकता है या फिर आपने जो चीज़ बनाई है वो किस हिसाब से बनाई है ठीक है ओके तो टेक्स्ट ऐड करना जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिमेशन कह रहा हूँ सॉरी वीडियो एडिटिंग का बिकॉज आपने रेयरली ऐसी कोई वीडियो देखी होगी जिसमें टेक्स्ट ना हो राइट क्योंकि टेक्स्ट के बगैर हो ही नहीं सकता कि कोई वीडियो बनी हो बहुत रेयरली ऐसे केसेस होंगे जिसमें जो है आपको कोई ऐसा दिखे वीडियो जिसमें टेक्स्ट ना हो क्योंकि एक ये सबसे बेहतरीन तरीका है अपने मैसेज कन्वे करने का ठीक है तो आप जो है कोई भी फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए आप बेसिकली एक तो पहले कस्टम अपने फॉन्ट्स हैं इसमें जैसे कि इनमें से आप काफ़ी सारे देख रहे हैं काफ़ी इनमें से मोस्टली जो है वो आपको ऑलरेडी टेक्स्ट इसमें मिल जाएंगे लेकिन अगर इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फेवरेट कोई दूसरा हो क्योंकि इसमें इतने वेरी नहीं करते काफ़ी हद तक सिमिलर हैं तो आप अगर चाहते हैं कि आपका थोड़ा डिफरेंट हो तो आप उसके लिए नेट पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि फॉन्ट्स डाउनलोड फ्री तो आपको इस तरह फ्री फॉन्ट्स जो है आराम से मिल जाएंगे तो आप उनमें से कोई सा भी जो भी आपको प्रेफर लगे आपको ठीक लगे आप उनमें से वो यूज़ करके अपने हिसाब से चीज़ को यूज़ कर सकते हैं ओके तो अगर आप राइट क्लिक करके तो जैसे अगर आपने देखा हो मैंने क्या किया कि अगर आप सॉरी अगर आप यहाँ वीडियो फाइल पर क्लिक करें उसके बाद इंसर्ट में जाके अगर आप ये करें कि इंसर्ट टेक्स्ट मीडिया तो इसमें आपके पास एक ये छोटी सी विंडो आ जाती है ठीक है ये विंडो में बेसिकली मतलब ये करने का कि इसमें जो है आप सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपकी विंडो होगी कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और उसमें इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इनके बारे में मैं प्लेसमेंट क्या होगी मैं आपको बताता हूँ लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हैं खैर आप गूगल से आप एक दफ़ा फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद अगर आप अपने विंडोज़ के स्टार्ट पे जाके सर्च करेंगे एक फ़ॉन्ट का फोल्डर तो आपको एक फ़ॉन्ट का फोल्डर मिलेगा जिसमें आपके कंप्यूटर के जितने भी फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी उसमें अवेलेबल हैं वो उसमें सारे उस फोल्डर में होंगे तो आप वो फाइल्स जो हैं सिंपली अपने वाले फ़ॉन्ट्स वाले फोल्डर में जाके अगर पेस्ट कर देंगे तो आपको वो फ़ॉन्ट यहाँ पर दिख जाएंगे जैसे अभी मैंने नेट से जो डाउनलोड किया है वो फॉन्ट है ये बैकग्राउंड अगर आप तीनों आपको याद हो ये तीनों जो है हमने तीन फाइल्स ग्रेडियंट की मिला के हमने ये बनाई थी और उसमें आप अच्छा अब आप देखें जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट फाइल ऊपर एडिट कर दी उसके ऊपर पेस्ट कर दी तो आराम से आप चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि वो टेक्स्ट उसके ऊपर दिखा रहा है ये टेक्स्ट करने का बेसिकली तरीका है अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं आप इस पर ये वाले इस पर क्लिक करें और उसके बाद जो भी फाइल आपने लोड करनी है वो लोड कर लें अगर कोई मोबाइल से रिकॉर्ड हुई भी फाइल होगी तो वो डेफिनेटली आपको मैंने इसके पहले भी बताया क्विक टाइम प्लेयर का आपको एक ऑप्शन देगा वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दोबारा से वो चीज़ लोड करेंगे तो आसानी से लोड हो जाएगी इसके अलावा कोई खास एरर नहीं आता अगर कोई स्पेसिफिक एरर होगा तो उसका भी आपको उसमें बताएगा कि किस तरह उसको सॉल्व किया जा सकता है और अगर कोई ऐसा फॉर्मेट है जो ये लोड कर ही नहीं रहा है बिल्कुल भी तो उसके लिए आपको उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप किसी भी किस्म के फॉर्मेट में ऑनलाइन किसी कन्वर्टर से डाउनलोड करके ठीक है ओके इसके बाद वंस आपने वो टेक्स्ट डाल दिया उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा इसको थोड़ा सा डिटेल इसमें थोड़ी सी और एट्रीब्यूट्स वगैरह डालने पड़ेंगे उसके लिए आप एक तो ये प्लेसमेंट वाला ऑप्शन है या आप प्लेसमेंट यहाँ से उसको जो है कहीं पे भी सेट कर सकते हैं लेकिन आई एम मोस्टली मैं इवेंट पैनल क्रॉप में जाके सेट करता हूँ इसलिए मुझे आदत नहीं है लेकिन अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं उसके बाद यहाँ से आप उसके थोड़े कलर वगैरह सेट कर सकते हैं तो आई थिंक काफ़ी अच्छा लगेगा अगर इसका कलर थोड़ा सा वाइट ही हो चले लेकिन इसके क्या कर सकते हैं इसमें हम ना अगर हम इसकी आउटलाइन डिफाइन कर दें तो वो काफ़ी ठीक लगेगा या ये फॉन्ट वैसे इतना ख़ास कोई वो नहीं है लेकिन अगर आप कोई चाहें तो आप दूसरा भी कर सकते हैं शेडो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कोई कलर चेंज करना है तो आप इधर से कलर भी देख सकते हैं ओके लेट्स कीप इट वाइट ओके तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ जो है थोड़ा सा जो है छोटा हो जाए तो
तो ये आपने पहले मैंने इवेंट पैनल ड्रॉप वाले पोर्शन बताया, छोटा करके यहाँ पे कर सकते हैं। ओके तो ये तो खैर एक नाम सा हो गया बेसिकली। यू नो व्हाट, इसके फॉन्ट हम जो है चेंज कर ही देते क्योंकि इसको पढ़ने में भी थोड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि अगर आपका मैसेज अक्रॉस नहीं जा रहा है कि चीज़ क्या है तो आई थिंक उसका फ़ायदा नहीं है इतना। तो दोबारा से जाके वो पहला वाला फॉन्ट ट्राई करते हैं। इसमें थोड़ा ए का इशू है, लेकिन अगर मैं फॉन्ट जी, ये वाला फॉन्ट आई थिंक काफ़ी हद तक आसान लग रहा है पढ़ने के लिए भी और सही भी है। ओके अब मैं जो एक चीज़ चाहता हूँ उसमें ऐड करना, वो ये है कि एक डेफिनेटली लोगों में जो है कोई ना कोई पिक्चर होती है, ठीक है। अब पिक्चर आप ऑनलाइन देख सकते हैं, किसी भी किस्म की आप लोगों को डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे फोटोशॉप यूज़ होता है या कोरल ड्रॉ यूज़ होता है लोगो वगैरह बनाने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसी के अंदर अंदर बनाऊँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए कि मेरा पर्पज़ क्या है उसको ड्रॉ करने का, ठीक है। तो अगर हम इसमें कुकी कटर में, जैसे कि आपने देखा होगा इसमें शेप्स वगैरह हो सकते थे, इसमें एक ट्राइंगल का ऑप्शन था जो कि काफ़ी पहले हमें एक तरीके से सॉलिड कलर लेके उसमें दर्ज करना होगा। ये जब सॉलिड कलर हमने चूज़ कर लिया तो अगर हम इसमें ये ट्राइंगल डालेंगे तो ये इसे एक शेप सा इसमें अंदर बन जाएगा। इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, या तकरीबन इतना, और इसके कलर को हम कर देते हैं पर्पल, डार्क पर्पल, क्योंकि और पिछला वाला बैकग्राउंड भी पर्पल है, बल्कि एक्चुअली हम इसको थोड़ा डिफरेंट कलर कर देते। दिस इज मच बेटर। अगर हम इसको इस पॉइंट पे रखें तो ये काफ़ी ओके लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी लेयर को डुप्लीकेट कर दूं तो एक अच्छा पैटर्न बन जाता है। ठीक, लेकिन इसका कलर जो है हम चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं पर्पल थोड़ा डार्क, या दिस इज मच बेटर। और एक और, बल्कि इसमें अगर मैं ट्राइंगल ऐड कर दूँ डुप्लीकेट लेयर, लेकिन इस दफ़ा जो नया वाला ट्राइंगल है इसको साथ में फेस नहीं करते, इसको कलर पहले कर देते हैं, और यहाँ बल्कि इसे कलर तो फिलहाल ऑरेंज करके इसको इधर ऊपर टॉप पे लेके आऊँ। आई थिंक ज़्यादा वो होगा अगर ये चीज़ रोटेट हो जाए, राइट। तो लेकिन अगर हम इस वाले लेयर को उधर नीचे पीछे ले आए तो इट काइंड लुक ओके। तो आई थिंक ये इसमें वैसे और भी काफ़ी डिटेलिंग ऐड की जा सकती है, बट मेरे ख्याल से ना काफ़ी है। इसमें शेडो का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको दूसरे इफेक्ट्स में जाके इसमें वेट डाला जा सकता है, लेकिन खैर अभी हम लोग कोशिश करते हैं इसको सिंपल ही रखें। खैर इसको थोड़ा रिप्लेस करने के लिए कुछ
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको यहाँ से मूव करने से, क्योंकि एक्चुअली में जो अंदर का जो हमारा फ्रेम है वो यहाँ से सेट होता है, तो इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ से चेंज करने का यहाँ पे, जब तक अनलेस के वो चीज़ चेंज ना की जाए। इसको ऊपर लेके जाते हैं थोड़ा सा, और लेट्स डू द सेम थिंग विद दिस, इसको भी ऊपर, एंड लेट्स डू द सेम थिंग हियर, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। उसके बाद आई थिंक ज़्यादा होगा कि अगर इसके एक नीचे ना एक अंडरलाइन सी जा रही हो, राइट, और उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक इमेज जो है, बल्कि काफ़ी एक पतली थिन सी एक लाइन होनी चाहिए, तो ये एक बेसिकली जो है एक हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन सकता है, एक मतलब ये एक लोगो टाइप एक चीज़ बन सकती है। इसका बैकग्राउंड अगर हम पीएनजी के फॉर्मेट में सेव करें तो हो सकता है। टेक्स्ट के कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं जो कि काफ़ी बेटर लग सकता है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें स्टिल हो सकती हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल आज के लिए ये प्रोजेक्ट इतना काफ़ी है। आपने आइटम्स ऐड करना सीखे, देखे कि किस तरीके से आइटम ऐड करते हैं। यहाँ से आप सिंपली आप एक इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जितने भी ऑप्शन हैं आप उसमें जाके जो भी आपने ऑब्जेक्ट खोलना हो आप वो ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे। अब जैसे फर्ज करेंगे पिक्चर है, हमने इसको खोला तो वो पिक्चर वहाँ पे लोड हो जाएगी, ठीक है। तो या ये सिंपल सा तरीका है, और आपने ये देखा किस तरीके से मैंने जो है कुकी कटर को यूज़ करके एक लोगो टाइप बनाने की चीज़ कोशिश की, नीचे टेक्स्ट डाला, किस तरीके ऐड किया और किस तरह फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरीके से कोशिश प्रैक्टिस कीजिएगा ऐड करने की, और फाइनल जो चीज़ बने वो ज़रूर दिखाइएगा। तो या आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू एंजॉयड इट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिएगा, love is